इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 पर दिलीप सिंह राणा उत्तर द ग्रेट खली मौजूद है, जिन्होंने मीडिया के सामने आज क्षेत्र की कई समस्याओं को जो है उजागर किया है। खली भाई, मीडिया से आज आप रूबरू हुए, कई समस्याओं को आपने जो मीडिया के सामने रखा, क्या ऐसे इश्यूज है जिनकी तरफ आपको लग रहा है कि आज तक ध्यान नहीं दिया गया? देखो जी, एक जब से हमने होश संभाली है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि एक पानी की समस्या और एक रोड की समस्या, एक हेल्थ की समस्या, मतलब ये और एक स्कूल की, चार समस्या ऐसी है। जब से हमने होश संभाली है बहुत ही बुरा हाल, स्कूल पे टीचर नहीं है, हॉस्पिटल पे डॉक्टर नहीं है और पीने को पानी नहीं है, और जो रोड का सबने हालत देखे ही है। तो मैं ये देखता हूँ कि इतने हमारे लीडर आते हैं, इतने लीडर आते हैं तो उनको दिखते नहीं होंगे रोड। भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कोरोना के यार्ड पे बाकी चीजें मत भूलो। अगर आप लोगों ने 100 में से 80% आप कोरोना के पे फोकस रखो, पर 20% मतलब जिनके डिलीवरी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कोई पेड़ से गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो जमींदार का तो यही काम होता पहाड़ियों का, है ना? तो उनके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए और उनके लिए एक रोड अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्या है जो चंडीगढ़ पे तो है हॉस्पिटल, दिल्ली गुड़गांव पे तो है हॉस्पिटल, है रोहतक पे भी हॉस्पिटल, हिसार पे भी हॉस्पिटल, हमारे सिरमौर पे कुछ भी नहीं है, मतलब जबकि वहां पर हमारे सिरमौर पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, सबसे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए वहां। तो अगर आपने बात मान करनाल से गुड़गांव जाना तो 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। अगर हमारे को आना हो तो हमारे कितने घंटे लगता है? अगर हिमाचल से नान आना है, नान को मेरे को नहीं पता कि क्या यहाँ की हालत है, पर अगर अच्छे हालत होते तो यहाँ से वो रेफर नहीं करते पीजीआई को, तो इससे पता लगता है कि यहाँ की हालत ठीक नहीं है, उनको हालत ठीक करना चाहिए। ये समस्या है दशकों पुरानी, तो क्या आज से पहले भी आपने प्रयास किए, सरकार ने उस पर गौर किया? बार बार ये प्रयास करे है, मैं चाहूंगा कि भी मतलब जो हमारे जो लीडर है, हमारे जो लीडर है, जो हमारे जो एमपी है, अगर उनसे हमारे एरिया से एक मतलब टेस्ट लिया जाए कि कौन तुम्हारा एमपी है, तो मेरे को नहीं लगता कोई बोल पाएगा हमारा एमपी हो है। अगर बोल पाएगा तो उन्होंने शक्ल नहीं कभी देखी, अगर बोले ना 2 बंदे खड़े कर दे तो मेरे को नहीं लगता कि वो पहचान पाएंगे कौन सा हमारा एमपी है कौन सा नहीं है। तो आपका कहना यह कि उन प्रतिनिधियों ने कभी क्षेत्र का दौरा करना उचित नहीं समझा? उनको लगता है उस बोर्ड मिल के बस हमारा काम खत्म हो गया, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें साफ साफ बोला है कि भाई यहाँ दिल्ली पे मत बैठो, अपने क्षेत्र पे जाओ, अपने क्षेत्र पे वर्क करो। उन्हें बार बार हर बताया है कि यहाँ दिल्ली पे मत बैठो आप, ये मतलब आप क्षेत्र पे जाओ और वर्क करो, पर लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भाई मतलब मैंने नहीं सुना मतलब कि भाई मतलब ये व्यक्ति, ये हमारे लीडर कोई समस्या सुनने आए। अगर समस्या सुनने आना ही नहीं तो मतलब कम ऑन मैन यार, कौन सी सदियों पे जी रहे हम, कौन सी सदियों पे जी रहे? पीने को आजकल साफ पानी नहीं है, हाड़ का पानी पीते, कहां इनके पास फिल्टर है जो इनने फिल्टर लगाया, हाड़ का पानी पीते है मतलब, तो बीमारी तो अपने आप होनी है। कौन सा इनके पास जो मशीन है जिसमें बोलते हमारे हम इससे टेस्ट करते जो बीमारी होती है, मतलब कोई भी किसी का हार्ट अटैक है, कोई भी छोटी छोटी बीमारी है, बुखार है, अगर ब्लड टेस्ट करना तो कहाँ इनके पास? हिमाचल में जो हर 5 साल बाद हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जिम्मेवार है? हाँ, बिल्कुल है, मतलब दोनों पार्टी बराबर जिम्मेवार है। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस बढ़िया है कि बीजेपी बढ़िया है, पर लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई हम तो आवाज उठाएंगे, ठीक है, आवाज मतलब हमारे पास जैसे बोलते ना कि अगर किसी को दर्द हो तो चिल्लाएंगा तो हो जरूर, और चिल्लाना क्या बंद कराएंगे क्या? भाई मेरे को दर्द होती है क्योंकि मेरे को अपने सिरमौर से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से प्यार है।
इसलिए मेरे को दर्द होती है, है ना। मेरे कोई बिजनेस नहीं करना, मेरे को परमात्मा ने इतना दिया है जितना कभी मैं सोचा भी था, जरूरत से ज्यादा दिया भगवान ने मेरे को। लेकिन मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी आवाज किसी के लिए आए, किसी के काम आए, तो इससे बड़ी बात क्या है। हिमाचल में एकेडमी खोलने को लेकर सरकार के साथ आपकी बातचीत हुई, अभी क्या? तो भाई हिमाचल का इश्यू पता क्या है, हिमाचल का इश्यू है अभी कि रोटी कैसे खानी, हिमाचल का इश्यू है कि पानी कैसे पीना, हिमाचल का इश्यू है अभी कि रोड कैसे, हिमाचल का इश्यू है कि अगर बुखार हो जाएगा तो उसको मतलब जो इंजेक्शन है, उसको ब्लड टेस्ट है, वो कहाँ करना, अभी वो इश्यू है। एकेडमी खोलने से पहले सरकार को मूलभूत सुविधाओं पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम मतलब ना पहले बोलेंगे हम कि हमने तो मतलब हेलीकॉप्टर बनाना है जी, मतलब अरे हेलीकॉप्टर तो बाद में बनाएंगे, पहले रोड तो बनाओ। बोलेंगे हमने तो बुलेट ट्रेन बनानी है, मतलब ट्रेन तो बाद में बनाओ, पहले सड़क तो बनाओ। मतलब आपका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं है पूरा हिमाचल उसको भी जुटा नहीं पाया है। बिल्कुल, अभी मतलब बस यही समस्या है एक कि जो एक बहुत जरूरी समस्या है उससे उलझ रहे है। कुछ समय पहले ही जो है टिकटॉक ऐप को लेकर जो है आप सुर्खियों में रहे, क्या आप अभी भी उस अपने बयान पे कायम है, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो मतलब उसमें मैं कायम हूँ, टिकटॉक बैन हो गया कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ लोगों की नौकरियां जानी है उससे। अगर बोले कि मेरे को कोई फर्क नहीं है, मतलब बंद हो, सारा कुछ बंद कर दो। अगर कल को अमेरिका के साथ कुछ अनबन हुई, नेवर नो, ये जो बोलते हैं ना हमारा वो दोस्त, हमारा वो दोस्त, हमारा वो दोस्त, दोस्त कंट्री किसी की दोस्त नहीं होती, मैं आपको बता दूं। कंट्री देखती है किससे अगर फायदा है तो इसके साथ में रिलेशन बनाऊं, अगर कंट्री का कोई फायदा नहीं तो कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, मतलब कोई दोस्ती नहीं निभाएगा। क्या मतलब कोई ट्रम्प के साथ क्या मतलब क्या गुल्ली डंडा क्या कंच खेल रहे थे, मतलब जो दोस्त बन गया, किस बात का दोस्त बन गया? या उनके साथ कोई स्कूल पे मतलब लंगोटी आरते पढ़ते थे, मतलब मेरा दोस्त है, मतलब मैं दोस्त नहीं बोलता, हाँ मैं मिला बहुत बार हूँ, मैं ट्रम्प को मिला बहुत बार हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये समस्या बहुत है, तो हमारे को एक छोटी समस्या है उसको हल करना चाहिए। जैसे बोल रहे आप टिकटॉक पे उस पर आप कायम हो, ये जो ऐप बंद किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका तनाव अमेरिकन के साथ होगा, क्या गूगल बंद कर देंगे आप गूगल बंद कर देंगे क्या, या कोई दीवार खड़ी कर देंगे भी इस शहर को गूगल नहीं आना चाहिए, मतलब अमेरिका का आइए। आपको क्या लगता है चीन के साथ किस तरीके से सरकार को पेश आना चाहिए? ये कि अगर उन्होंने 20 मारे तो उनके 100 मारो, है, अगर उनकी जमीन है तो छोड़ दो, अपनी जमीन है तो उनको मार दो। मतलब बड़े सिंपल सी बात है, अगर हमारे घर पे घुस रहे है तो उनको मार दो। फिर अगर बोलेंगे मैंने तो ऐप बंद कर देना है, मित्रों हमारे ऐप बंद करना, तो वो चीजें मतलब कामयाब नहीं होंगी। टीम से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे ग्रेट खली, जिन्होंने कहा कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है सिरमौर जिला की, उसको लेकर जो है वो कोई भी पार्टी गंभीर नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिकटॉक को लेकर जो उन्होंने अपना बयान दिया था उस पर वो आज भी कायम है। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ सतीश शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल, नाहन।